फ्रैंकलिन को अब मैं मार के रहूंगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। फ्रैंकलिन ने मेरे भाई, छोटे भाई पलेरो नियो को मारा। इस बार मैं फ्रैंकलिन के साथ पुश्ते खत्म कर दूंगा। फ्रैंकलिन के छोटे भाई का नाम सिंचैन है ना, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसका सबसे करीबी दोस्त माइकल, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे सबसे पहले फ्रैंकलिन के घर का पता लगाना होगा। मुझे फ्रैंकलिन की ऑफिस मिल गई है, तो मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। फ्रैंकलिन जब आएगा तो शायद वो मुझ में बैठ जाए। बंद कर देता हूँ गाड़ी। अरे यार, काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गया। ये काम वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और थकाने वाला है यार। ज़मीन खोदना कितना ज़्यादा कठिन काम है। पहले मुझे लगता था ये काम सबसे आसान है, लेकिन इसमें तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है यार। फटाफट खोदता हूँ और अपना काम ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और आज का तो मौसम भी थोड़ा बहुत अजीब है। और यार गर्दन और पीठ में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। जल्दी जल्दी चलता हूँ, इसको छोड़कर यहीं पर ही, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। वैसे तो मैंने मेरे काम कंप्लीट कर दिया है, तो फटाफट यार अभी घर चला जाए। तो यार यहाँ से मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, वरना यार मुझको काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यार वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो इसीलिए मैं यहाँ से शॉर्टकट लेने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही होगा यार। मुझको लग रहा है सामने की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है, तो मैं वापस आ जाता हूँ और देखता हूँ यार, यहीं से ही चढ़ने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर जाकर मैं इससे चढ़ सकता हूँ। और गाइज यार लो, मैं यहाँ पर चढ़ गया हूँ। और यार अभी चलते हैं सामने की तरफ। यार एक गाड़ी नज़र आ रही है, जो कि मुझे लगता है XUV है। और गाइज यार ये तो XUV 700 है, पता नहीं कौन यहाँ पर छोड़ गया है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और यार कितना ज़्यादा यूनिक लुक है इसका, मुझे तो यार ये पसंद आ गई है। अब तो यार ये गाड़ी अपन लेकर जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो कौन ऐसे क्यों ही छोड़ेगा अपनी गाड़ी को। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतनी रात को अपनी गाड़ी को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ कर जाता है। मैं तो ये गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, अब कुछ भी हो जाए। चलो यार ये गाड़ी लेकर चलते हैं अपने घर पर। सिंचैन इस गाड़ी को देखेगा ना तो मज़े ही आ जाएगा उसको। वैसे यार आज का मौसम देखो यार, आज का जो चांद है वो भी यार पूरा लाल है। और मैंने सुना है कि लाल चांद वाले दिन काली शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ये देखो गाइस, चांद कितना ज़्यादा लाल है। मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग बोलते हैं तो यार सुनना तो पड़ता है, और फिर हमको आप लोगों को भी सुनाना पड़ता है। तो चलिए यार अभी अपन जो है अपने घर की काफ़ी करीब आ चुके हैं, और लो यार घर में अभी पहुंच भी गए। तो फटाफट यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को एकदम सटीक तरीके से पार्क लगा देते हैं और जाते हैं नीचे। शायद यार अभी जो है सिंचैन जग रहा होगा तो अच्छा है, वरना तो उसको गाड़ी जो है अपन दिन में दिखा देंगे, क्योंकि यार रात काफ़ी हो गई है, मैं उसको जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फटाफट यार नीचे चलते हैं। और गाइस जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो ये रहा यार अपना कमरा, मुझे लगता है सिंचैन सो गया है, तो उसको दिन में दिखा देंगे गाड़ी। अभी यार मैं भी क्या करता हूँ कि मुझे भी जो है यहाँ पर अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि यार रात के पूरे 2 बज चुके हैं, इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो अभी जगने का कोई मतलब भी नहीं है। और आज का मौसम भी थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लाल चांद निकल रहा है। पहली बार मैंने ऐसा लाल चांद देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, लिटरली में यार। ऐसा लाल चांद आपने देखा है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, वैसे मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा। तो यार मैं भी सो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और ये लो गुड नाइट।
अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, आज तो लाल चांद है। वैसे लाल चांद हुआ क्यों है, ये चांद तो सफेद रहता है, आज अचानक चांद लाल कैसा, और ये आवाज कैसी आ रही है घर के बाहर। अरे ये आग जैसा क्या है घर के बाहर, अरे मुझे लगता है किसी ने अपने डस्टबिन को आग लगा दी। अरे कौन है रे, अरे ये गाड़ी किसकी है, इस गाड़ी की लाइट तो जल रही है लेकिन गाड़ी में कोई बैठा नहीं है। अरे रे रे रे, ये किसकी गाड़ी है भाया, अरे ये क्या, ये गाड़ी तो गायब हो गई रे भाया, अरे ये यहाँ पर कैसे आ गई, मुझको तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी इधर जा रही है तो गाड़ी उधर जा रही है लेकिन चल तो ये है ही नहीं रही, ये तो गायब होके जा रही है। अरे बचाओ यार, कोई तो बचाओ, ये गाड़ी ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी यार, कोई बचाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये गाड़ी है या भूत जो बिगर बात के मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, इसको कुछ पता भी है क्या कि मैं इंसान हूँ। अरे ये तो गया। अरे यार ये मौसम को क्या हो गया, अब क्या करूं मैं यार, ये तो यार बहुत ही ज्यादा भयानक मौसम है। अरे यार ये गाड़ी किसकी आ गई है, हो सकता है यार ये गाड़ी फ्रैंकलिन की हो, और ये तो एक्सयूवी 700 है, तो ये तो ऑटोमेटिक चलती है यार। फ्रैंकलिन को कॉल लगा कर पूछता हूँ ये गाड़ी उसकी है क्या, उसने यार मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर भेजी हो, क्या पता। फटाफट यार फ्रैंकलिन को कॉल लगा कर पूछना पड़ेगा यार, ये फ्रैंकलिन का नंबर मिल क्यों नहीं रहा। अरे यार ये तो ऑटोमेटिक चल रही है गाड़ी यार, क्या करूँ मैं, मार दिया इसने तो। अरे यार ये इतनी रात को माइकल फोन क्यों कर रहा है, चलो बात कर लेते हैं। अरे तुम्हारी एक्सयूवी 700 जो वाइट कलर की है वो मुझे ठोक के चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ऐसा ही हुआ है, वो भूतिया गाड़ी है, उससे दूर रहना। अरे वो तो यार मेरे घर के बाहर होगी ना, वो तुम्हारे घर क्यों जाएगी। अरे मुझे नहीं पता, तुम चेक करके देखो। यार ये क्या बोल रहा है माइकल, अभी अपन चेक करते हैं अपनी गाड़ी अपने घर के पास है या नहीं, फिर देखते हैं क्या करना है। और एक मिनट रुको गाइस, ये आग किस में लग रही है, अरे अपनी डस्टबिन में आग लग रही है, ये हरकत किसकी हो सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। और अपनी एक्सयूवी 700 कहाँ गई, वो भी मैंने यहीं पर पार्क लगाई थी। अरे ये क्या, यहाँ पर सिंचैन को क्या हो गया, अरे यार इसकी हालत क्या हो गई, इसकी नब्ज चेक करता हूँ मैं। अरे गाइस नहीं यार, सिंचैन मर चुका है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि सारा खेल किसी चोर ने खेला है, उसने पहले डस्टबिन में आग लगाई सिंचैन, फिर बचाने के लिए आया होगा गाड़ी को, लेकिन फिर उसने सिंचैन को मार दिया। यार फटाफट चलना होगा अपने को माइकल के घर पे, लेकिन यार वो माइकल के घर पर क्यों जाएगा। तो यार माइकल के घर पर मैं आ गया हूँ, फटाफट माइकल से बात कर लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, वो गाड़ी एक भूतिया गाड़ी थी, उस गाड़ी में कोई नहीं बैठा था, ये कैसे हो सकता है। अरे ये एकदम सही हो रहा है, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तुम उस गाड़ी को जल्दी से ब्लास्ट कर दो, वरना वो लॉस सैंटोस के एक एक घर में जाकर उसको मारेगी हर बंदे को। अच्छा यार, मुझे यार तुम्हारी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, मुझे यार उस गाड़ी को कैसे न तैसे ख़त्म करना होगा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ यार अभी चलते हैं, वो अपना ख्याल रख लेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट आई है लेकिन वो ज़िंदा बच गया। और यार ये रही वो गाड़ी, अभी इस गाड़ी की खैर नहीं है, इस गाड़ी को अब मैं ऐसे ब्लास्ट करूँगा ना कि इस गाड़ी ने सोची ना होगी। वैसे यार ये गाड़ी मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा कीमती गाड़ी है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, भूतिया तो है, अब इस गाड़ी को यार ब्लास्ट करके रखना होगा अपने को। ये ले भाई साहब, अब तो इसको ब्लास्ट करके रहूँगा।
एक मिनट और रुक जाओ, एक आध और बम इस पर फेंका देता हूँ। अरे ये क्या, ये गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लग गई। अरे यार ये भूतिया गाड़ी अपने को मारने लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, रिमोट का बटन फटाक से दाब देता हूँ और ये बम फट जाएंगे तो ये गाड़ी फट जाएगी। लेकिन क्या यार, ये गाड़ी तो फटने का नाम नहीं ले रही है, गाड़ी अभी भी नहीं फटी है, तो क्या करा जाए। रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया है मैंने, अब रॉकेट लॉन्चर ट्राई करता हूँ यार, क्या पता रॉकेट लॉन्चर से भी यार कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यार गाड़ी का बाल बांका नहीं हो रहा है, हो सकता है ये चांद की हवा में ऐसा हो रहा हो। अरे नहीं यार, ये गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इस गाड़ी को मुझे लगता है कि जब तक इस पे चांद नहीं पड़ेगी तब तक इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, तो इसको चांद की चांदनी से थोड़ा सा दूर रखना होगा, क्योंकि लाल चांदनी इसके ऊपर गिर रही है, तो इसीलिए इसको कुछ नहीं हो रहा है। मैंने देखो कितने सारे रॉकेट लॉन्चर इस गाड़ी पे चलाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस गाड़ी में मैं बैठता हूँ कैसे नहीं तैसे करके इसके पास जाकर, और फिर इसको चांद की नज़रों से थोड़ा दूर ले जाकर ब्लास्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता ये ब्लास्ट हो जाए। ऐसा ही करते हैं गाइस, यहाँ पर पास ही में चलते हैं, यहाँ पर चांद की रोशनी जो है नहीं पड़ रही है आई थिंक, तो यार यहीं पर ही इस गाड़ी को रोकते हैं, यहाँ पर चांद की चांदनी नहीं पड़ रही है। फटाफट यार इस गाड़ी से उतरता हूँ और इसको ब्लास्ट करने का ट्राई करता हूँ यार, देखते हैं इस पर होता है या नहीं। यार गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज तो पड़ा लेकिन ब्लास्ट नहीं हुई है, एक दो बार और ट्राई करता हूँ। और गाइस यार मैंने फाइनली इस गाड़ी को जो है ब्लास्ट कर दिया है, और गाइस अब इस गाड़ी से जो है अपना छुटकारा मिल गया है अपने को, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाड़ी एकदम ब्लास्ट हो रही है, गाड़ी में से आग निकल रही है एकदम परफेक्टली यार। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।